तो दोस्तों यहाँ पर मेरे मोबाइल पर यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगने जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है यूवी डिवाइस है दोस्तों, इससे ये ग्लास गार्ड लगने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से कर्व डिस्प्ले पर ग्लास गार्ड लगाया जाता है, यूवी टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है दोस्तों, मोटरोला H50 फ्यूजन है दोस्तों, या फिर कोई भी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन में दोस्तों किस तरह से टेम्पर्ड ग्लास गार्ड लगाया जाता है, मैं बात कर रहा हूँ यूवी टेम्पर्ड ग्लास की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक शॉप पर आया था, जहाँ पर दोस्तों मैंने अपने फ़ोन को इन भैया के हाथ में दिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इसकी प्रोसेस जो है वो काफ़ी ध्यान से की जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो भैया है दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं दोस्तों, यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छा आइडिया है इस ग्लास को लगाने का। तो आप एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सेफ्टी से यहाँ पर ये भैया जो है ये ग्लास गार्ड को लगा रहे हैं यहाँ पर यूवी टेम्पर्ड ग्लास को। अभी के टाइम पे इन्होंने दोस्तों यहाँ पर ये साइड में दोस्तों चिट्स लगा दी हैं, जिससे कि जो ग्लू लगती है वो माइक वगैरह के अंदर एंटर ना करे। तो वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहिए और पूरी कंप्लीट प्रोसेस ज़रूर से देखिए, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अभी से आप कर लीजिए दोस्तों। आपके भी पास मोटरोला का या फिर कोई भी कर्व डिस्प्ले वाला डिवाइस है, कमेंट में बताइए आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो उस टाइम पर, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पर दोस्तों ग्लू डाल दी गई है, और जो हमारा ग्लास गार्ड है दोस्तों यूवी टेम्पर्ड ग्लास, वो दोस्तों यहाँ पर अब निकाला जा रहा है, और इसके बाद इसको डायरेक्ट डिस्प्ले पर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर 3 ड्रॉप्स ग्लू की डाली हैं भैया ने, और इसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लास गार्ड है इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखा जाएगा। सबसे मेन काम यहीं पर आता है, क्योंकि इसको जो सेट किया जाता है ये बहुत ही ध्यान से किया जाता है, किसी भी तरह का कोई बबल वगैरह ना रह जाए, इसलिए यहाँ पर इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसको सेट किया जाता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप ख़ुद से कभी भी ये यूवी ग्लास गार्ड वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाइए दोस्तों, या दुकानदार के पास जाइए, उससे दोस्तों यहाँ पर इस ग्लास को लगवाइए, क्योंकि आपकी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स में दोस्तों बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इन चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाओ तो आप एक्सपीरियंस्ड बंदे से ही इस ग्लास को लगवाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ग्लास है वो सेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ग्लू वगैरह साइड में निकल आती है उसको भैया साफ कर रहे हैं। इसके बाद अब ये जो चिट्स वगैरह लगाई हैं, इन चिट्स को यहाँ पर हटा दिया जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब मेन काम आता है, जी हाँ, उसको जो ग्लू लगी है अब उसको सुखाया जाएगा यूवी लाइट से, ठीक है ना। यूवी लाइट्स के लिए इनके भैया के पास एक डिवाइस था, ये वाला, यहाँ पर उन्होंने पिन लगा दी है USB, और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से उन्होंने लाइट को ऑन किया है, और अब इस यूवी लाइट से ये जो ग्लू थी वो सूख जाएगी, और जिससे हमारे जो ग्लास है टेम्पर्ड ग्लास ये बहुत अच्छी तरह से मोबाइल की स्क्रीन के साथ सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने इस लाइट को ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर ये जो लाइट है ये स्क्रीन पर पड़ रही है, और जो ग्लू है वो इस तरह से सूख जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए भैया ने इस तरह से इसको रख दिया था। फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पर जब जो ग्लू पूरी तरह से सूख चुकी थी, फिर इसके बाद भैया ने इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर इस पर, और इसको साफ़ कर दिया बहुत अच्छी तरह से। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे मोटोरोला H50 फ्यूजन फ़ोन में टेम्पर्ड ग्लास लग चुका है, यूवी टेम्पर्ड ग्लास, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर इस टेम्पर्ड ग्लास को लगाया गया है। आई होप आप समझ पाओगे। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, आप खुद से दोस्तों इस ग्लास को मत लगाना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही दोस्तों अपना यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगवाइए। आई होप समझ पाओगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर ऐसी अगली वीडियो में।